नमस्कार साथियों, मैं हूं। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली है इसके जो एंट्री पॉइंट पे हम मौजूद हैं और भारी संख्या में आपको दिखाना चाहूंगा कितनी तादाद में लोग जो है 9 बजे से ही यहां पर ताता लगा हुआ है और भारी सिक्योरिटी के बीच यहां पे पूरा पुलिस बल तैनात है। यहां पे लाखों की संख्या में लोग पहुंचने की अनुमान लगाया जा रहा है और अभी जो है करीब 12 बजने को है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ समय बाद यहां पर पहुंचने वाले हैं। काफी मैं उनसे थोड़ा सा बातचीत करूंगा क्योंकि काफी टाइम हो गया अंदर जो है लोग जो जा रहे हैं। तो भाई साहब कहाँ से आए आप? हम बारडा से। बारडा से क्या कहना चाहेंगे इतनी भारी भीड़ को देख करके? स्पष्ट जीत है, स्पष्ट बहुमत, पूर्ण जीत, पूरा पूर्ण जीत है। तो मतलब ये तीसरी बार मोदी सरकार बनने जा रही है? हाँ, बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। अजी सर जी नमस्कार। जय मोदी सरकार। मोदी सरकार की जय। जय जी। 400 पार। 400 पार। हाँ जी। इतनी भीड़ को देख कर, कितनी गर्मी में भी काफी लोग आए। जय मोदी, जय मोदी, जय मोदी। 400 पार। 400 पार। बिल्कुल। अगर ठंडा होता तो यहाँ कोई ना उड़ने वाला नहीं था, फिर भी लाखों की संख्या में भीड़ आई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे जो है पूरी तरह की व्यवस्था करी हुई है और काफी दूर दूर तक पार्किंग है। करीब 1 किलोमीटर दूर से पैदल चल के लोग आ रहे हैं। ये मोदी का प्यार है जो खींचा चला आ रहा है, लोगों को खींचे चला आ रहा है। और हाँ जी सर, देखिए काफी लोग ऐसे। कहाँ से आए आप? हम बारडा गाँव से। बारडा से? हाँ जी। मतलब बारडा से दूर दूर से लोग? बहुत बड़ी पब्लिक, बहुत बड़ी पब्लिक। बारडा साइड में क्या रुझान है? बारडा साइड में प्योर बीजेपी, मोदी मोदी, मोदी मोदी, मोदी मोदी। कांग्रेस का फिर क्या रहा? नहीं, झूठा रोड़ा जी, सर मोदी मोदी, मोदी मोदी हो रहा है सब। मोदी मोदी। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं कहना। मोदी मोदी, मोदी को तो यहाँ जितने वोट आए उसमें जीत जाएगा। मोदी जीत जाएगा। पूरे हरियाणा से लोग चल के आ रहे हैं। 5 किलोमीटर पतला, 5 किलोमीटर की जगह नहीं है। 5 किलोमीटर पाटे करने में जाम हो रहा है, सब की जगह। 5 किलोमीटर की जगह नहीं है हमारे को। और मोदी मंदिरगढ़ी की विधानसभा से अरे यहाँ पे दिल्ली और गुड़गांव के लोग और वहाँ के रोहतक के लोग नहीं है। और ये मतलब इस मंदिरगढ़ भिवानी लोकसभा? हाँ, लोकसभा के लोग हैं यहाँ पे। देखा जी धर्मवीर? हाँ जी। 5 लाख वोट? 5 लाख वोट। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए काफी लोग हैं इधर भी, देखिए बहुत खड़े हैं। और जी क्या कहना चाहोगे भारी संख्या में इस भीड़ को देख करके, क्या कहना चाहोगे? देखिए जी, वैसे तो मोदी जी की लहर पूरे देश में चल रही है और इस बार 400 पार का जो नारा नहीं वो एक बिल्कुल असलियत है। लेकिन महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में जो चौधरी धर्मवीर जी ने 4,40,000 का पिछली बार जो रिकॉर्ड बनाया था, वो खुद ही अपना रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं इस लोकसभा में। एक तरफा मतलब जीत आपकी बार? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि यहाँ इलाके को पहली बार, चाहे वो नौकरी में, चाहे वो पानी में, चाहे डेवलपमेंट में, इन 10 साल में पहली बार हिस्सेदारी मिली है। नहीं तो जो पहले की जो कांग्रेस सरकारें जो रही 10 साल, उसने सारा मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र में लेकर गया, तो वही इसीलिए जनता आज पूरा एक तरफा मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे इतनी कड़ी धूप में भी? क्या कहना चाहोगे इतनी कड़ी धूप, 45 डिग्री से अधिक टेम्परेचर है, इतना प्यार मोदी जी के प्रति कैसे? ये जी मोदी जी का प्यार है, सबसे बड़ा क्या है, देश हित के लिए प्यार है। देश को बचाने वाला आज की तारीख नरेंद्र मोदी जी है। जहाँ डिफेंस को इतना मजबूत किया है इन्होंने, इससे ज्यादा कोई मजबूत नहीं कर सकता। चाहे रोड हो, चाहे और कुछ हो, चाहे धारा 370 हो,
चाहे और अपना क्या बोलते हैं पत्थरबाजी वो खत्म कर दिए हैं, सब कुछ इन्होंने इतना किया है बेहद ज्यादा, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। देखिए भाई ये मोदी के चेहरा लगा करके, देखिए मोदी के फैन है भाई, सब क्या कहना चाहोगे? भाई मोदी जैसा वर्ल्ड में कहीं लीडर नहीं है, नंबर वन बेस्ट पीएम है इंडिया के लिए, बहुत ही बड़ी बात है। की कहाँ से आए आप? हम तोसाम से आए हैं सर। तोसाम का क्या माहौल है? तोसाम में एक तरफा माहौल है मोदी का, मोदी फैक्टर चलेगा। और वैसे धर्मवीर सिंह का तो सुना आपने, तोसाम हो, भिवानी हो, महेंद्रगढ़ हो, नारनौल, नांगल चौधरी, अटेली, सभी जगह से लोग चल के आ रहे हैं, और भारी संख्या में जो लोग हैं उनका अभी 12 है, लेकिन जो भीड़ देख सकते हैं पूरा जो ये एंट्री पॉइंट है, ये देखिए खचाखच इतनी तादाद में भीड़ है, ऊपर करके दिखाइए। बिल्कुल देखिए, भारी संख्या में जो है लोग सुबह से ही इस रैली में अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। ताऊ जी क्या कहना चाहोगे? चलो देखिए, चार सौ पार बिल्कुल, जितने भी आ रहे सब 400 400 पार बिल्कुल, बूथ जिता के भेजेंगे, बूथ की जिम्मेवारी। भाई साहब राम 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 जी। भाई साहब क्या कहना चाहोगे? काफी लंबे लंबे दूर, अरे भाई साहब 2 किलोमीटर दूर से वहाँ पर गाड़ी खड़ी करके सब पैदल वहाँ से आए हैं, जनता का भारी हुजूम जबरदस्त है, लाखों की बिल्कुल बिल्कुल लाखों की संख्या पार कर सकते हैं। हरियाणा में बहुत अच्छा माहौल है, हरियाणा में 10 की 10 सीटें आ रही है हमारी, एक तरफा माहौल है, कांग्रेस का सुपड़ा साफ है, बिल्कुल सुपड़ा साफ है। और कल को वो करके आगे राहुल गांधी, उसने जो कुछ किया है ना वो खुद ही कर गया। चलो ठीक है, भारी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, और ये बता रहे की मोदी जी 400 पार, कहीं वो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो इनकी जनता की भावनाएं हैं, अभी मोदी जी जरूर 400 पार करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आगे की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए MGN हरियाणा लाइन के साथ। नमस्कार।